निर्गमन अध्याय 12 वचन 40 कहता है, इज़राइली लोगों को मिस्र में रहते हुए 430 साल हो गए थे, लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी तब उसने कहा था कि तेरे वंशज दूसरे देश में 400 साल तक परदेशी होकर रहेंगे। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 13 के अनुसार। लेकिन निर्गमन अध्याय 12 वचन 40 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि 430 साल तक रहे थे। क्या परमेश्वर के हिसाब में कुछ गलती हो गई थी? नहीं, लेकिन उस समय इसराइल के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही थी कि वे मिस्र में 400 साल तक ही रहें। तब उन्हें अतिरिक्त 30 साल तक क्यों रहना पड़ा? उनका जवाब जानने के लिए हम एक उदाहरण या एक बड़ी घटना को देखते हैं। जब परमेश्वर इसराइल को मिस्र में से छुड़ा कर लाया तब उनके लिए उसकी योजना कुछ ऐसी हो सकती है कि इसराइल को परमेश्वर कुछ 2 साल 5 साल या 10 साल में तोड़कर परमेश्वर के अपने छिद हिस्सा में बनाकर वाचा के देश में ले जाना चाहता हो। लेकिन हम देखते हैं कि उनको वचन के देश में जाने के लिए 40 साल लगे। परमेश्वर ने क्यों इसराइलियों को 40 साल तक मरुभूमि और जंगलों में घुमाया था? हम एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर उनको तोड़ना चाहता था, नम्र बनाना चाहता था, अपनी आज्ञाओं को मानना सिखाना चाहता था। हमने पहले बताया वैसे ही परमेश्वर उनकी मुसाफरी कुछ 1-2 साल में भी पूरी करके कनान पहुँचा सकता था, लेकिन परमेश्वर उनको कुछ सिखाना चाहता था, कुछ दिखाना चाहता था कि परमेश्वर कौन है। यह हो सकता है कि आपके मन फिराव के बाद परमेश्वर 2 साल के अंदर ही आपको इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह अगले 40 साल तक आपको इस्तेमाल ना कर सके। यह इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी टूटते हैं। इसी तरह इसराइल के लिए परमेश्वर की योजना यह थी कि वे मिस्र में 400 साल तक ही रहें, लेकिन उन्हें 430 साल तक रहना पड़ा। क्यों? शायद हो सकता है कि उनका अगुआ मूसा तैयार नहीं था। बाइबल हमें बताती है कि 40 साल की उम्र में मूसा ने मिस्र छोड़ा, तो परमेश्वर ने जंगल में मूसा को उसके ससुर के घर में 10 साल में तोड़ने की योजना बनाई हो और वो 50 साल की उम्र में इसराइल के अगुवे के रूप में तैयार हो जाए, लेकिन मूसा को पर्याप्त रूप में तोड़ने के लिए उसके ससुर को उससे और नम्र और दीन करने की ज़रूरत पड़ी थी। उस 10 वर्ष के प्रशिक्षण को पूरा करने में मूसा को 40 साल लग गए, इसीलिए इसराइल को 30 साल तक और इंतज़ार करना पड़ा था। उसमें हमारे लिए एक संदेश है और एक चेतावनी भी है। परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और वो बहुत जल्द प्रभु हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। वे आत्मिक और शारीरिक दोनों हो सकती है। जब हम आत्मिक बातें देखें तो आपकी सेवकाएँ, जिसमें आपको प्रभु एक वचन प्रकट करने की सेवकाएँ देने वाला हो, आपकी वर्शिप टीम का लीडर होना या एक अच्छा वर्शिपर बनना हो या परमेश्वर हमें बनाना चाहता हो और इस्तेमाल करना चाहता हो, और भी बहुत ऐसी योजना जो आप आत्मिक सेवकाएँ में जोड़ सकते हैं। और हम देखते हैं देहिक आशीषों को या तो हमारे लिए शारीरिक जीवन के लिए योजनाएं, उसमें हो सकता है आपके लिए नौकरी, आपकी शादी, आपकी हर एक वो बात जिसमें आप शारीरिक तौर पर आगे बढ़ के आशीष पा सके, ये सब बातें परमेश्वर आपको देना चाह रहा हो, वो भी बहुत जल्दी। लेकिन हम और आप जब तक टूटेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर हमें आत्मिक सेवकाई में इस्तेमाल नहीं करेगा, और शारीरिक आशीष के लिए भी जब तक आप परमेश्वर के आज्ञा में सिद्ध और ईमानदार नहीं होते, तब तक परमेश्वर आपको हमें आशीष देने में देर कर सकता है। उसने आपके अंदर जो 10 साल में करना चाहा है और आप तैयार नहीं है, टूटे नहीं है, वचन में आज्ञा में सिद्ध नहीं हुए हैं, तो आपको 40 साल लग सकते हैं। और हमारे जीवन में जो तकलीफें आने देता है उन्हीं से परमेश्वर हमें तोड़ता है और वचन के अनुसार जीना सिखाता है। जब तक हम मूसा की तरह नहीं हो जाते तब तक हमें परमेश्वर तोड़ता है और फिर हमें परमेश्वर एक सेवकाई देगा और हमें शारीरिक आशीष भी देगा। मिलाप गीत 3:27 कहता है, मनुष्य के लिए यह भला है कि वह अपनी जवानी में जुआ उठाए। जब आप और मैं जवान हैं तभी परमेश्वर को यह अनुमति देनी चाहिए कि वह हमको तोड़े
उन परिस्थितियों का विरोध ना करें जिन्हें परमेश्वर आपके जीवन में होने देता है, क्योंकि उसमें सिर्फ परमेश्वर की योजना में विलंब ही होगा। और आखिरी बात, हमारा बाइबल ज्ञान, हमारी संगीत की प्रतिभा और हमारा सारा धन और बहुत सारी सुविधाएं जो आज कलीसिया में है, वो भी हमें परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं बना सकती। टूटापन होना अनिवार्य है। याकूब सिर्फ तभी इसराइल बना जब वह टूटा। मूसा भी सिर्फ तभी अगुआ बना जब वह टूटा। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। मुझे यकीन है कि इस मैसेज के जरिए आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। आपके सुझाव जरूर हमें कमेंट में लिखें और इस वीडियो को दूसरों को भी साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।